आज की वीडियो में आपको प्रीति जिंटा के ट्विन बेबीज के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रीति जिंटा ने शादी के 5 साल के बाद फर्टिलिटी इश्यूज होने पर सरोगेट बेबीज का डिसीजन लिया और रिसेंटली अपने ट्विन बेबीज के होने पर अपने फैंस को बताया। अब प्रीति जिंटा के सरोगेट बेबीज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि प्रीति और उनके हस्बैंड ने सरोगेसी के लिए इंडियन मदर ही चूज की, क्योंकि वो अपने ट्रेडिशन और कल्चर के साथ ही रहना चाहती हैं और उनके लिए अपना ट्रेडिशन और कल्चर ही सब कुछ है। प्रीति की सरोगेसी के थ्रू ट्विन बेबीज हुए हैं, जिनके नाम उन्होंने जय और जिया रखे हैं, और ट्विन बेबीज की केयर करना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन प्रीति इसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं। प्रीति के ट्विन बेबीज और उनकी मदर अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई हैं और वो घर आ गए हैं। प्रीति ने अपने बेबीज के लिए बहुत ही क्यूट नर्सरी डेकोरेट कर रखी है और उनके घर आने पर उनका ग्रैंड वेलकम भी किया है। प्रीति ने पूरे घर को बलून से डेकोरेट कर रखा था और अपने ट्विन बेबीज के घर आने पर प्रीति और जियन बहुत खुश हैं, क्योंकि इतने साल के बाद वो मदरहुड को पा सकी हैं। वो पिछले कुछ सालों से ट्रीटमेंट्स ले लेकर बहुत थक चुकी थी और अब बेबीज के आने पर उनकी जिंदगी में एक उम्मीद सी आ गई है और वो फिर से खुश हो गई हैं। आपको प्रीति के बेबीज के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।